एसकेआईटी में एक इंटरव्यू के राउंड चल रहे थे, हमारा फाइनल ईयर था, तो बहुत सारी कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं, वहां पर बहुत सारी कंपनीज आई हुई थी। तो उनमें क्या था कि रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू से पहले हमारे जो एचआर होता है, हमारा एचआर खुद ही हमें तैयारी करवा रहा होता है। तो हमारे जो कॉलेज के जो ऑनर थे वो खुद ही हमारे इंटरव्यू के लिए हमें तैयारी करवा रहे थे। तो एक एक करके नंबर लेके आ रहे थे, तो उन्होंने वो बोलना सिखा रहे थे कि बोलते कैसे इंटरव्यू में। तो वो सबसे एक सवाल जरूर पूछ रहे थे कि जिंदगी में क्या करना चाहते हो, ऐसा पूछ रहे थे सबसे, जिंदगी में आगे क्या करना चाहते हो, व्हाट आर योर प्लान्स इन लाइफ, ये सवाल था उनका, व्हाट आर योर प्लान्स इन लाइफ। और फिर बताते भी थे कि क्या बोलना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट गए, उन्होंने हमने तुमसे पूछा कि तुमसे पूछ क्या रहे हैं, तुम भी बताओ, फिर हम भी तैयार करें। सो मेरा ऐसा कभी नहीं रहा, मैं कभी आंसर तैयार नहीं करता हूं, मैं अपनी प्रिपरेशन, मेरे दिमाग में जो आता है मैं वो बोलता हूं। सो जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझसे भी सवाल पूछा गया कि व्हाट आर द प्लान्स ऑफ योर लाइफ, मतलब आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो। तो मैंने उनको जवाब दिया, वो जवाब मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अरविंद अरोड़ा इतिहास रटने नहीं, इतिहास रचने आया है। उस दिन मैं वहां बैठ के ये जवाब दे रहा था, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सर मेरे फ्यूचर के प्लान्स का तो पता नहीं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मैं पैदा हुआ तो कोई मुझे जानता नहीं था, मैं पैदा हुआ रोते हुए कोई मुझे जानता नहीं था, लेकिन मेरा ये सपना है जिस दिन मैं मरूं लोग मुझे जाने और एक बार खुशी का आंसू बाहर निकले कि था कोई इंसान जो जिंदगी बदल गया। ये मैंने बोला था उस दिन, और उन्होंने कहा था बहुत ही फिल्मी डायलॉग है, लेकिन ही वो सरप्राइज कि हाँ कोई ऐसा आंसर भी दे सकता है। तो मैंने उस टाइम पे जब मेरे कॉलेज टाइम था तो मैंने आंसर दिया था इस चीज को।